पोफाटी पगरा भया भयागी जिया जून सबका हु कुदेत है वो चोत समाना चून सभी प्राणियों का जितने भी ब्रह्मांडों के अंदर जितने प्राणी हैं सबका वो परमात्मा पालन करता है और सभी की उसको चिंता है क्योंकि माँ के गर्भ में जब ये बालक होता है उसमें ना माता सहाय कर सकती है ना को पिता का सहयोग वहां काम कर सकता है तो वहां पालन कौन करता आपका वहाँ आपका सुरक्षा रक्षण करने वाला कौन था तो वहां भी उस परमेश्वर ने ही आपकी सुरक्षा की आपका पोषण किया जुगाड़ कुछ भी जोड़ा उसने कोई तरीका बनाया मां की नाभी से आपकी नाभी जोड़ दी और आपका शरीर पुष्ट हुआ और मां के गर्भ में आप बहुत दुखी होते हो ऊपर को पैर होते हैं नीचे को सिर होता है और बाहर आके आप भगवान भूल जाते हो कबीर साहब कहते हैं दुख में सुमरण सब करे सुख ना कोई को जय में सुमरण कर तो दुख कहे को परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तुम पर आपत्ति आ जाती है तब तो, तो भगवान दिखाई देता है और जब तक तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार ठीक होते हैं आपके पुण्य चलते हैं और आप अपने आप को सुखी महसूस करते हैं वैसे तो यहां सुख है नहीं हम झूठे सुख को ही सुख मान बैठे कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद। जो सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध फिर भी जब तक हम सुखी महसूस करते हैं तो भगवान से कोसों दूर रहते हैं और भगवान की पूजा कैसी करते हैं महीने दो महीने छह महीने में कभी इष्ट धाम पर मत्था टेक आए शुक्रवार मंगलवार को को प्रसाद बांट दिया किसी दिन व्रत रख लिया और अधिक लोग वर्तमान में तो नास्तिक ही हो चुके हैं क्योंकि समय पर टोक मिल रहा है अच्छी व्यवस्था होगी है शिक्षा होगी है अच्छी पोस्ट होगी हैं खूब परमात्मा ने बुद्धि दे दी अपने बच्चों को इन्होंने ट्यूबवेल लगा लिए हैं नहरें अच्छी बना ली हैं बढ़िया आहार समय पर मिलने लगे अब भगवान से कोसों दूर हो गए और भूल गए उन दुखों को परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे जो भगवान से दूर करे परमात्मा कहते हैं सुख के है माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय तेज जावे बलिहारी दुख के जो पल पल ना ब्रिटा पुराने समय में हमारे पूर्वज बताया करते थे बुजुर्ग के वर्षा ना होती थी भगवान को याद किया करते थे कोई भी दुख आता था भगवान को बैठकर याद करते थे हमारी आपदाएं टाया करती थी और अब भगवान सौ सौ कोस दूर हो गया अब तो बिजली याद रहती है बिजली ना ही ट्यूबल वो भगवान याद नहीं आता तो परमात्मा कहते इस सुख बाढ़ में पड़ो जिस भगवान की भूल पड़े तो सत्संग माने से फिर हमें याद होता है कि भगवान की कितनी आवश्यकता है तो सत्संग माने से फिर सुखी भी भगवान की भक्ति करेंगे यदि दुखी यदि दुखी व्यक्ति भक्ति करते हैं तो सुख देता है परमात्मा उसका गुण है और यदि सुख में ही भक्ति करते रहें तो दुख ना हो। और मूल काम मनुष्य जीवन का भक्ति ही करना था वो हम भूल चुके थे इसका ज्ञान संत और परमात्मा ही दिलाते हैं सतगुरु दिलाते हैं सतगुरु का बहुत अभाव हो गया और सत्संग सुन सुन कर इंसान बहरे हो गए इन नकली संतों के अटपट बट खटिन उनको बात का पता नहीं कोई कख इनको पास नहीं श्रद्धालु उनके ऊपर ड्योट होकर के समर्पित होकर के अपना जीवन नाश कर गए इतना बिगाड़ दिया धार्मिक इस मार्ग को अब सेट करना दास के लिए कितना कठिन हो रहा है इतने टीवी चैनल चलते हैं सब पर कोरी बकवाद घड़ी जाती है इन संतों के द्वारा कख भी पता नहीं और सब सुन सुन सुनकर बहरे हो लिए और उनको फाइनल मान चुके तो इसका अब धीरे धीरे निवारण होगा इस संकट का और सभी शिक्षित हैं देख रहा दास के इतना विपरीत मार्ग है समाज के और पूर्व ज्ञान के और उसके बाद भी कितनी सफलता मिली है क्योंकि इसमें सत्यता घनी है और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता वो अपना स्थान बनाया करती है लेकिन उसकी स्पीड स्लो होती है भले ही धीरे धीरे चलेगा लेकिन ये सफल होगा और एक दिन पूरा विश्व इस ज्ञान को और इस भगवान को स्वीकार करेगा और उद्धार होगा सुखी होंगे